हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा कास्ट के 7वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मशहूर अम्बेडकराइट फिल्म मेकर पार रंजीत की नई मूवी सरपट्टा परम्बई के बारे में और जानेंगे क्यों ये फिल्म एक मास्टरपीस है और आपको इसे क्यों देखना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म से जुड़ी बहुजन संस्कृति के बारे में भी। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। पार रंजीत ने बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ड्रामा सरपट्टा परम्बई के रूप में जो फिल्म बनाई है उससे लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। खास बात यह है कि शुरू से आखिर तक ये फिल्म बॉक्सिंग की थीम पर ही आगे बढ़ती है, लेकिन कई समानांतर कहानियां साथ साथ चलती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरती से बॉक्सिंग के साथ साथ पार रंजीत ने पॉलिटिक्स को ना सिर्फ टच किया बल्कि कुछ बेहद गंभीर सवाल भी खड़े किए। इस फिल्म को सिर्फ बॉक्सिंग पर आधारित मूवी कहना काफी नहीं होगा बल्कि ये उससे कहीं आगे है, क्योंकि असल में सरपट्टा में जो बॉक्सिंग रिंग दिखती है उसके हर बाउट्स और फाउल सीधे समाज और राजनीति की गहराई को उजागर करते हैं। साथ ये फिल्म आत्मसम्मान के संघर्ष की भी कहानी है। रंजीत का बॉक्सर नेशनल या फिर ओलंपिक में चैंपियन नहीं बनना चाहता, लेकिन जब वो पंच मारता है तो उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सरपट्टा परम्बई का बैकड्रॉप नॉर्थ मद्रास है, जिसे आजकल आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। ये फिल्म तमिल में है। फिल्म का ट्रेलर आते ही खूब सराहा गया था और अब फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हो चुकी है और रिलीजिंग के बाद भी फिल्म को खूब तारीफ मिल रही है। फिल्म की कहानी यूं तो एक बॉक्सर पर आधारित है जो अपने समुदाय के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। फिल्म का समय 1975 और उसके बाद के सालों का है और ये वही समय है जब इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल घोषित किया था। फिल्म में आपको इमरजेंसी के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की झलक भी मिलेगी और साथ ही ये भी पता चलेगा कि कैसे उस समय तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार ने सीधे इंदिरा गांधी को ललकारा था। इस भिड़ंत को आप आजकल के समय से भी जोड़ सकते हैं। नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार सीधे मोदी सरकार से भिड़ी हुई है। कुछ ऐसा ही जो नज़ारा था वो उस समय इमरजेंसी के दौरान भी था जब करुणानिधि सरकार इंदिरा गांधी की सरकार से भिड़ी हुई थी। फिल्म राजनीतिक उठापटक को छूती जरूर है लेकिन अपनी असल कहानी से भटकती नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है। फिल्म में मुख्य किरदार के साथ साथ कई समानांतर कहानियां चलती हैं लेकिन पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग पर ही है। सरपट्टा परम्बई बॉक्सिंग स्पोर्ट्स पर आधारित एक जबरदस्त ड्रामा फिल्म है। मद्रास में एक कम्युनिटी है जिसे अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग सिखाई थी। यहाँ सीधे जाति का नाम नहीं लिया गया लेकिन क्लैन, यानी जिसे आप कुल समझ सकते हैं, कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कहानी से साफ है कि ये बहुजन पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों की ही कहानी है। बॉक्सिंग को लेकर कई कुलों में कॉम्पिटिशन चलता है और अलग अलग वंशों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। सरपट्टा और इदियप्पा नाम के दो वंशों में बॉक्सिंग को लेकर टक्कर रहती है। मुख्य किरदार का नाम कबालिन है जिसे अभिनेता आर्या ने निभाया है और आर्या ने बहुत ही शानदार काम किया है और जब वो रिंग में उतरते हैं तो आपकी नज़रें उन पर ठहर जाएंगी। कबालिन के पिता भी बॉक्सर थे लेकिन दूसरे ग्रुप वालों ने उनकी हत्या कर दी और इस हमले में कबालिन और उनकी मां बच जाते हैं। इसी वजह से कबालिन की जो मां है वो अपने बच्चे को बॉक्सिंग से दूर रखना चाहती हैं। मां के रोल में अभिनेत्री अनुपमा का किरदार बहुत ही प्रभावशाली है। इस फिल्म को आप एक माँ के संघर्ष के तौर पर भी देख सकते हैं जो अपनी औलाद को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले माँ बॉक्सिंग से रोकती है लेकिन बाद में वही माँ अपने बेटे की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। माँ के अलावा कबालिन की पत्नी के नज़रिए से भी फिल्म में समानांतर कहानी चलती है। पत्नी का भी संघर्ष लगातार चलता है। दशहरा विजय ने मरियम्मा का किरदार निभाया है, बहुत ही दमदार किरदार निभाया है। बच्ची पैदा होने के बाद जब कबालिन पूरी तरह से बॉक्सिंग में डूब जाता है तो एक साथी के तौर पर वो चिढ़ती हैं और अपने हिस्से के प्यार के लिए सीधे भिड़ जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि हिंदी फिल्मों की तरह माँ या फिर पत्नी के किरदार को दब्बू या खुद को अबला समझने वाली महिलाओं के तौर पर नहीं दिखाया है बल्कि पार रंजीत की महिला कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इन सबके अलावा ये फिल्म जितनी मुख्य किरदार कबालिन की जद्दोजहद को दिखाती है उतनी ही उसके कोच रंगन के संघर्ष को भी दिखाती है। अभिनेता पशुपति ने बहुत ही दमदार तरीके से कोच की भूमिका निभाई है। कोच पेरियारवादी आंदोलन का नेता है। दूसरे समूह से बदला लेने के लिए उसने अपने समूह में एक बॉक्सर को तैयार करने की उसकी चाहत है कि हम भी जीतें। कोच का अपना बेटा भी है जो बॉक्सर है लेकिन कोच कबालिन को चुनते हैं, वो अपने बेटे को नहीं चुनते और फिर उनका जो बेटा है
है, वो बाद में कबालिन पर हमला कर देता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो सुधर जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और जब विरोधी कबालिन पर जानलेवा हमला करते हैं तो वो उसे बचाता है। ये फिल्म रंगन के किरदार के ऊपर भी आधारित है, भले ही मुख्य किरदार आर्या ने निभाया हो, लेकिन अपनी एक कहानी है कोच की कि कैसे वो कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं, जेल जाते हैं और बॉक्सिंग को एक आइडियोलॉजी की तरह पेश करते हैं, एक विचारधारा बना देते हैं। तो ये कहानी एक कोच के संघर्ष की भी है। अपने विरोधी से हारने के बाद वो बॉक्सिंग ही छोड़ चुके होते हैं, इसलिए उनके अंदर आत्मसम्मान के लिए भी लगातार संघर्ष चलता रहता है। फिल्म में डीएमके में फूट पड़ने और फिर जो एमजीआर ने नया बनाया था एआईएडीएमके, उसके बनने की झलक भी आपको दिख जाएगी। मैंने कहानी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताई, लेकिन पूरी कहानी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इससे आपका मजा ख़राब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें, क्योंकि एक सफल सिनेमा के लिहाज से इस मूवी में एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट सब है, एकदम फुल पैकेज है। इसलिए बाकी की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म खुद देखनी होगी। पारंजीत एक अंबेडकरवादी फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक कमर्शियली हिट फिल्म मेकर भी हैं। मुझे उनकी सबसे खास बात यही लगती है कि वो सिर्फ बहुजन प्रतीकों पर, बहुजन किरदारों पर या कहानियों पर ही नहीं टिके रहते, बल्कि अपनी कहानी को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि अपनी बात कह जाते हैं और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। बहुजन वैचारिकी और मार्केट की समझ, पारंजीत में ये गजब का कॉम्बिनेशन है। वो अंबेडकरवादी प्रतीकों को बहुत ही करीने से सजाते हैं। दृश्यों में आपको बाबा साहब से लेकर बुद्ध तक की तस्वीरें दिखाई देंगी, बस्ती में बुद्ध आपको बार बार नजर आएंगे। एक सीन में पुजारी की तरह दिखने वाले शख्स को जमीन पर बैठे दिखाया गया है, जो अपने आप में क्रांतिकारी हैं, जबकि हिंदी फिल्मों में इसके एकदम उलट है। पिछले दिनों आई फिल्म व्हाइट टाइगर में दलित किरदार को सवर्ण माली के कदमों में बैठा देते हैं, लेकिन सरपट्टा परम्बई में मामला एकदम अपसाइड डाउन है। पारंजीत ने बहुजन संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। कवालिन के नीले रंग के ग्लव्स बाबा साहब के नीले झंडे के परिचायक हैं। पारंजीत की फिल्म की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ अंबेडकरी कल्चर को ही नहीं बांधे रखते, बल्कि उसके किरदार, डायलॉग, दृश्यों, कहानी और मेकिंग को इतने बड़े स्तर पर ले जाते हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट होती है। उनकी फिल्म मद्रास काला कबाली ने कमाई के मामले में तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पारंजीत ने अपनी फिल्म के जरिए संघर्ष करने और कभी ना हारने का संदेश तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने बुद्ध के अत दीप भवय का संदेश भी दिया है। गाने के लिरिक्स में बताया गया है कि कैसे मधुमक्खी की तरह डंक मारो और तितलियों की तरह पंख लगाकर उड़ जाओ, तुम खुद ही तुम्हारी रोशनी हो, यानी बुद्ध के बी योर ओन लाइट अत दीप भवय की सीख यहाँ पर मिलती है। पारंजीत का किरदार कहीं मन्नत मांगने नहीं जाता और ना ही परिक्रमा करने जाता है, बल्कि अपनी मेहनत से सारी चुनौतियों को पार कर लेता है। बाबा साहब ने भी लगन और तार्किक सोच का संदेश दिया था, उसकी झलक आपको इस फिल्म में जरूर दिखाई देगी। हिंदी फिल्मों के मुकाबले पारंजीत की फिल्मों में दलित बहुजन किरदार एक विद्रोही और ताकतवर होता है। हिंदी फिल्मों में दलित किरदार लगान के कचरे की तरह दिखता है, जहां दलितों को या तो दीनहीन दिखाया जाता है या फिर आर्टिकल 15 की तरह लाचार, जहां कोई सवर्ण हीरो मसीहा बनकर उन्हें बचाने आता है। लेकिन पारंजीत की फिल्म में दलित हीरो दमदार और ताकतवर छवि वाला होता है। पारंजीत की फिल्म कबाली में भी हीरो असल मायनों में हीरो होता है, डरपोक या दबू किस्म का नहीं होता। हाल ही में पारंजीत के ही साथी मारी सेल्वराज की फिल्म कर्णन में भी दलित हीरो को एक योद्धा की तरह दिखाया गया था। कुल मिलाकर यह फिल्म एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज होने के साथ साथ आत्मसम्मान के संघर्ष की कहानी है। फिल्म में इस सवाल को भी उठाया गया है कि 1970 के दशक में मद्रास जैसी जगहों पर बॉक्सिंग इतना सफल गेम था, लेकिन क्यों उसे संजोई नहीं रखा गया। अगर आज भी बॉक्सिंग के प्रति वही दीवानगी होती तो जाने कितने ही ओलंपिक मेडल देश को आज मिल चुके होते। साथ ही फिल्म राजनीति पर भी गहरी चोट करती है। समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले लोगों के स्वाभिमान को बॉक्सिंग के रिंग में देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। इसलिए आप खुद से फिल्म को देखें। अमेज़न प्राइम पर फिल्म अवेलेबल है। हाँ, भाषा तमिल है, लेकिन आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ आसानी से इसको देख सकते हैं। मुझे बस इसमें एक बात लगी कि इस फिल्म को थोड़ा ज़्यादा समय के लिए खींचा गया है, थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी छोटी फिल्म हो सकती थी, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपको स्लो लग सकती है कहानी, लेकिन आप जब देखेंगे, दृश्य देखेंगे, इसका फिल्मांकन देखेंगे, तो आपका एकदम आपको मज़ा आएगा। ये फुल एकदम एंटरटेनमेंट की पैकेज है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है, इसको अमेज़न पर देखिए और उसके बाद कमेंट के जरिए हमको ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।